आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी प्लेन का, किसी भी फ्लाइट का हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, कहीं वो जा रहे हैं, तो उसको आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे ट्रेस करेंगे कि वो कहीं पहाड़ों में तो नहीं है, कहीं झीलों में तो नहीं है, कहीं समुंदर में तो नहीं है, या कहीं एयरपोर्ट पर तो नहीं बैठे हुए हैं। उसको आप कैसे ट्रेस करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड, कोई भी गर्लफ्रेंड कहीं जा रहे हैं तो उसको आप कैसे ट्रेस करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी फ्लाइट को कैसे ट्रेस करेंगे कि वो अभी कहाँ है, कहीं एयरपोर्ट पर तो नहीं बैठे हैं, कहीं झीलों में तो नहीं है, कहीं पहाड़ों में तो नहीं है, कहीं समुंदर में तो नहीं है। उसको आप बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीक़ा से आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे उस प्लेन को, उस फ्लाइट को आप ट्रेस कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्ले स्टोर से आपको फ्लाइट रडार 24 फ्लाइट ट्रैकिंग आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको कर रखा हूं तो यहां पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे इसका जो डाउनलोडिंग है, यहां पर देख रहे हैं कि 10 मिलियन यहां पे डाउनलोड इसका हुआ है और यहां पर रेटिंग देख रहे हैं 4.6 का है, तो समझ सकते हैं कितना बेस्ट और कितना अच्छा ये एप्लीकेशन है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाने के बाद भी आप इस पेज पे आ सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए ओपन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है। हम चलिए कहीं यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही आप कंटिन्यू पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको न्यू पेज पर ओपन कर दिया। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, कुछ ऐड है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया भर की यहाँ फ्लाइट यहाँ पर दे रखी है जो यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पे जो फ्लाइट है वो आपको जो है लाइव दिखाता है और यहाँ पे आपको पूरा सही और पूरा परफेक्ट दिखाता है, इसमें कोई जो गलत नहीं दिखाता है। और जो रियल है वो आपको रियल ही यहाँ पे दिखाता है। इसको जूम करके देखिएगा तो आप देखिएगा इसको जो चलता हुआ आपको नज़र आएगा और इस तरीके से भी आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्लाइट चल रहा है। जैसे जितना जूम कीजिएगा उतना आपको ये क्लियरिटी बताएगा कि ये फ्लाइट चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लाइट जो है आगे की ओर जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे दुनिया भर की जितनी फ्लाइट है कंट्री में वो कहाँ जाती है और कहाँ से आती है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पर जितने इसको आप जूम आउट कीजिएगा वो सारे के सारे यहाँ पर फ्लाइट आपको नज़र आ रहा होगा। जिस भी फ्लाइट को आप सर्च देखना चाहते हैं उस फ्लाइट को बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दुनिया भर की जो फ्लाइट है कहाँ से कहाँ जा रही है और इसको जैसे जितना जूम उतना आपको क्लियरिटी ये शो करेगा कि ये फ्लाइट कहाँ जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप जूम कीजिएगा तो ये आपको फ्लाइट में क्लियरिटी बताएगा और ये फ्लाइट आपको चलता हुआ भी दिखाई देगा कि ये फ्लाइट यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्लाइट ये आगे की ओर जा रही है। इस फ्लाइट को क्लिक कीजिएगा तो ये फ्लाइट का रूट बता देगा कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है और इसका जो नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेटिंग यहाँ पर दिखा रहा है ये फ्लाइट कितना जो दूरी तय कर चुका है। तो इस तरीके से कोई भी फ्लाइट को आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ से दूसरा फ्लाइट को मैं देख लेता हूँ कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। इस तरीके से आप कोई भी फ्लाइट को सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये वाला फ्लाइट को सर्च कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ रेड वाले को। यहाँ पर देखिए कि ये फ्लाइट यहाँ पर मैं इसका सर्च कर लिया हूं तो ये यहां पे आपको इसका रूट है, रूट पर क्लिक कीजिए तो यह बता देगा कि कहां से कहां ये फ्लाइट जा रही है। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये बीजिंग से ये आगे की ओर जा रही है। तो यहां पे देख रहे हैं यहां बीजिंग से मॉस्को ये फ्लाइट जा रही है। तो यहां पे आप फ्लाइट मॉस्को है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्लाइट का रूट भी आपको पता चल जाता है कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर आपको इस साइड में यहाँ पे फीट में और KTS में दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से इसका भी आप देख सकते हैं कितना फीट ऊपर ये फ्लाइट है। इसका 3D व्यू देखने के लिए 3D व्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको 3D व्यू में भी आपको ये फ्लाइट दिखाई देगा कि ये कैसे 3D में ये फ्लाइट जा रही है।
तो ये फ्लैट जो है बहुत ही परफेक्टली तरीके से यहाँ पे 3D में भी दिखाई देता है, जो ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये नया में जो है ये ऑप्शन 3D का दिया है, जिससे आप फ्लैट के देख सकते हैं कि फ्लैट ये कैसे कहाँ जा रही थी, ये आपको 3D में दिखाई दे रहा है, जो ये पहले नया ये ऑप्शन दिया है, पहले ये ऑप्शन नहीं था 3D में देखने का। तो जो भी फ्लैट आप देखना चाहते हैं वो तो उस फ्लैट को आप 3D में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको 3D में देख रहा हूँ, और इस फ्लैट को जिधर भी चाहे इस तरीके से आप घुमा फिरा के 3D में आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ्लैट ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी फ्लैट को आप देखना चाहते हैं इसको कट करेंगे, कट करने के बाद हम बैक आते हैं। यहाँ पर कुछ एयर आ जाएगा तो आपको गेट को रिमूव कर देना है। चलिए मैं कुछ और फ्लैट को देख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी फ्लैट को देखना है तो वो फ्लैट को आप बहुत ही आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दुनिया भर की फ्लैट है, जो भी फ्लैट को आप देखना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये फ्लैट यहाँ पे जा रही है। मैं ये वाला फ्लैट को सर्च करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ सिस्को सिटी, और यहाँ पे जो है अगला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आ चुका है, अटलांटिका की ओर ये जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो रनिंग है यहाँ पे 1.06 एगो मिनट यहाँ चढ़ा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्लैट जा रहा है। इस तरीके से फ्लैट को आप जूम करके देख सकते हैं कि फ्लैट चल रही है या रुकी हुई है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर चल रही है, क्योंकि ये फ्लैट चल रही है, और ये जो है आपका रियल लोकेशन आपको दिखाता है। जितना जूम कीजिएगा उतना आपको क्लियरिटी ये बताएगा। यहाँ पर देखिए फ्लैट यहाँ पर चल रही है, जितना जूम कीजिएगा उतना आपको साफ दिखाएगा। देखिए ये फ्लैट चल रही है, और इसको आप 3D भी देख सकते हैं, इसका रूट भी देख सकते हैं। इस रूट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये बता देगा कि कहाँ से कहाँ ये जा रही है। देखिए यहाँ मैसेको सिटी से यहाँ पे ये जाएगी, कहाँ पे अटलांटिका में ये जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अटलांटिका ऊपर में रेड बॉक्स में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी फ्लैट का यहाँ पे रूट पे जाकर यहाँ पे रूट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा भी आ रहा है मैसेको सिटी और अटलांटिका, इस तरीके से इसका रूट भी आप देख सकते हैं। इस साइड में आपको देख रहे हैं कि 39,000 फीट ये ऊपर है, और यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड स्पीड यहाँ पर देख रहे हैं 647 KTS में ये इतना स्पीड में ये चल रही है ये प्लेन। इसके बाद इसको 3D में देखने के लिए 3D पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो ये प्लेन का 3D में आपको दिखा देगा कि ये प्लेन जो है कैसे चल रही है। तो इसको आप 3D में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं इसी तरीके से। ये नया फंक्शन है, पहले ये फंक्शन नहीं था। तो कोई भी प्लेन को देखने के लिए आप बहुत ही आसानी से उसको 3D में व्यू आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर है अगर वो जा रहा है तो कौन से फ्लाइट में है, तो उस सबको भी आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने प्लेन में। यहाँ पर देखिए 3D में ये आपको जो है ये व्यू करके आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लेन जो है ये पहाड़ी इलाका से होते हुए इस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर रहा हुआ चलता हुआ। तो इस तरीके से ये प्लेन है कि यहाँ पे मैसेको सिटी से अटलांटिका जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे आप कोई फ्लाइट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि यह फ्लाइट है कहाँ से कहाँ जा रही है, और इस फ्लाइट जो है आपको एकदम रियल लोकेशन आपको बताता है, और इसको आप रियल लोकेशन में आपको इसको देख भी सकते हैं कि कोई यह फ्लाइट कहाँ से कहाँ की ओर जाती है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा यहाँ पे ये शो होकर यहाँ पे आ जाता है आपको, और यहाँ पे इस तरीके से ये आपको बताता है कि ये फ्लाइट किधर से किधर जाती है। इसको आप 3D में रूट पर करके इसका रूट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लाइट ये चलता हुआ नज़र आता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि आप कौन से कंट्री का फ्लाइट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लाइट रडार 24, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ देखें फ्लाइट नंबर भी डाल के आप अपना फ्लाइट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ एयरपोर्ट, यहाँ पर रूट डाल के भी, जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर घर से बाहर जाता है और वो जो है प्लेन से जा रहा है, तो वो आपके पास उसके पास टिकट होगा, उस टिकट पे उसका नंबर होगा, वो नंबर आप डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि वो जो आपका फैमिली मेम्बर है वो अभी कहाँ पे है, और एयरपोर्ट के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं, और रूट के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपका फैमिली मेम्बर जो प्लेन से गया हुआ है तो वो अभी कहाँ पे है। तो इसको देखने के लिए सिंपली आप इसमें डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एयरपोर्ट बाय कंट्री डाल के सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एयरपोर्ट बाय कंट्री पे, यहाँ पे दुनिया भर के जितनी कंट्री है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लूँगा, और इंडिया में 101 जो है एयरपोर्ट है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया में 101 एयरपोर्ट है, तो मैं यहाँ से इंडिया चूज कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और जो भी आप कंट्री का देखना चाहते हैं वो अपना कंट्री इसमें से चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे इंडिया आ गया है, मैं यहाँ से इंडिया चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए कि इंडिया में 101
जो है एयरपोर्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के यहाँ बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे शो ऑन मैप पे क्लिक करूँगा। शो ऑन मैप पे क्लिक करते यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सारे जो प्लेन है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे जूम करके इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये प्लेन जो है आपको चलता हुआ नजर आता है। इसे जूम कीजिएगा, जितना जूम कीजिएगा तो ये सारे का सारे प्लेन जो आपको यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा। इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, यहाँ पर जूम कीजिए, जितना जूम कीजिएगा उतना ये प्लेन आपको क्लियरिटी बताया कि ये प्लेन जूम हो जा रहा है कि नहीं। जो ये जो है आपको रियल बताएगा कि प्लेन जो है जा रही है या कहीं रुकी हुई, क्योंकि भाई ये तो रुकती नहीं है, तो चलती रहती है। तो ये आपको एकदम चलता हो यहाँ पे आपको दिखा देगा, देखिए प्लेन जो है किस तरीके से जा रही है। तो इस तरीके से आप कोई प्लेन को आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हो कि ये प्लेन कहाँ जा रही है। और इस तरीके से आप यहाँ पे जूम करके देख भी सकते हो कि प्लेन है कि कहाँ की ओर ये जा रही है और ये चल रही है कि नहीं चल रही है। इसको आप जितना जूम कीजिएगा वो आपको क्लियरिटी यहाँ पे आपको बता देगा। इसको आप जितना जूम कीजिएगा उतना क्लियरिटी ये बताएगा कि प्लेन चल रही है। यहाँ पे देखिए कि प्लेन ये चल रही है। इस तरीके से जो भी प्लेन को आप देखना चाहते हैं उसको आप जूम करके देख सकते हैं। इस तरीके से मैं जिस भी प्लेन पर, जैसे मैं रूट देखना चाहता हूँ कि ये प्लेन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये प्लेन पर क्लिक करता हूँ, प्लेन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए जम्मू टू दिल्ली की ओर ये प्लेन जा रही है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिर भी आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा राइट साइड में नीचे, यहाँ पर देखिए 7,098 इस तरीके से, यहाँ पर देखिए 7,035 इतना स्पीड में ये प्लेन चल रही है। और यहाँ पर देखिए ग्राउंड स्पीड जो है आपको 270 का है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये प्लेन जम्मू से दिल्ली की ओर ये जा रही है और यहाँ पर आपको शो भी करता हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए रेड वाला मैं क्लिक किया हूँ तो वो यहाँ प्लेन जो है चल रही है, आपको यहाँ पे हिल रहा होगा। मैं तो फिर इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए प्लेन जो है यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। रूट देखने के लिए यहाँ पर रूट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको भी ये रूट बता देगा कि कौन कौन से रूट से होते हुए ये जम्मू से दिल्ली आ रही है। यहाँ पर देखिए पंजाब हरियाणा होते हुए इस तरीके से यहाँ पे जम्मू पठानकोट है, इस तरीके से यहाँ पंजाब है हरियाणा है होते हुए दिल्ली ये जो है प्लेन आएगी। इसका यहाँ 3D व्यू पर क्लिक करके इसको 3D व्यू भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। फॉलो करने के लिए फॉलो वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसको आप फॉलो कर सकते हैं कि ये प्लेन है वो कहाँ है। अगर अगर आपके फैमिली मेम्बर इस प्लेन में जा रही है तो इसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये अभी यहाँ पर है। तो वहाँ पे नंबर, प्लेन नंबर या एयरपोर्ट डाल के बहुत ही आसानी से आप अपने फैमिली मेम्बर जो जहाँ जा रहे हैं तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। फीचर है जिससे आप 3D में रूट या मेनू फॉलो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी कंट्री का या अपने कंट्री में कोई भी स्टेट है उसमें स्टेट में अगर एयरपोर्ट है तो उस एयरपोर्ट का आप बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंडिया में 101 जो है एयरपोर्ट है पे फैमिली मेम्बर कहाँ पे है आप बहुत ही आसानी से आप फाइंड लगा सकते हैं इस मैप के थ्रू और रूट नंबर कुछ भी इसमें डाल के। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने फैमिली मेम्बर का पता लगा सकते हैं कि वो एयरपोर्ट पे है या एयरपोर्ट से अगर निकल चुके हैं तो वो कहाँ पे है। बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी प्लेन को, किसी फ्लाइट को कैसे हम ट्रेस करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।